लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के वासी प्रभाग 61 में लोक नेता गणेश नाईक के मार्गदर्शन में खाद्यान्न किट का वितरण किया गया। समाज सेविका उमा सुरेश शिंदे के हाथों यहाँ सैकड़ों महिलाओं और जरूरतमंद नागरिकों को यह राशन किट बांटी गई। इस अवसर पर समाज सेवी सुरेश शिंदे ने कहा कि विधायक गणेश नाईक जरूरतमंद जनता के लिए खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि लॉकडाउन की आर्थिक तंगी से परेशान आमजनों को थोड़ी राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि राशन किट और मास्क बांटने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखिए रिपोर्ट। कोरोना लॉकडाउन के आर्थिक संकट में लोक नेता गणेश नाईक आजकल जरूरतमंद जनता के लिए मदद का अभियान चला रहे हैं। आज वासी प्रभाग 61 में अभियान समाज सेविका उमा सुरेश शिंदे के नेतृत्व में चलाया गया, जहां सैकड़ों जरूरतमंद नागरिकों को खाद्यान्न किट बांटी गई। इस अवसर पर समाज सेवी सुरेश शिंदे ने कहा कि लॉकडाउन के कारण काम धंधा और कारोबार ठप होने से अधिकांश लोग परेशान हैं। ऐसे मुश्किल भरे दौर में राशन किट बांटकर हम जरूरतमंद लोगों को राहत देने की एक कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि लोक नेता गणेश नाईक के मार्गदर्शन में यह मदद अभियान आगे भी जारी रहेगा। कोरोना काल में किसी को मालूम नहीं था कि लॉकडाउन क्या होता है, तो वो लॉकडाउन की वजह से लोगों को दिया नहीं गया था, तो इसलिए मालूम नहीं था करके हम लोगों ने शुरू में लॉकडाउन में बांटे थे। लेकिन ये टाइम लोगों को मालूम था कि लॉकडाउन होने वाला है, इसे लोगों ने रेशन भरा था, सब कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद में वापस लोगों को तकलीफ शुरू हुआ। गए टाइम कोरोना काल में ही हम लोग ने बांटे थे, घर घर में गए थे, लेकिन ये टाइम कोरोना का सिस्टम थोड़ा सा अलग होने के कारण हमने लोगों का लिस्ट लिया है और लोगों को बुला बुला के हम यहाँ देते हैं। और आदरणीय दादा के आशीर्वाद से, संदीप नायक जी के मार्गदर्शन से और संजू नायक जी से मार्गदर्शन से ये हम कार्य कर रहे हैं और सालों से हम ये सब करते आए हैं, लेकिन ये टाइम अच्छे प्रमाण में हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।